कांग्रेस हमेशा बांटो और सत्ता पाओ के फॉर्मूले पर चली है। कांग्रेस ने बार बार ये सिद्ध किया है कि वो एक गैर जिम्मेदार दल बन गया है। वो अभी भी देश को बांटने के लिए नए नए नैरेटिव गढ़ रही है। कांग्रेस समाज को बांटने का फॉर्मूला लाती रहती है। कांग्रेस देश के मतदाताओं को गुमराह करने से बाज नहीं आ रही। कांग्रेस का फॉर्मूला साफ है कि मुसलमानों को डराते रहो, उनको भय दिखाओ, उनको वोट बैंक के कन्वर्ट करो और वोट बैंक को मजबूत करो। कांग्रेस के एक भी नेता ने आज तक कभी नहीं कहा कि हमारे मुस्लिम भाई बहनों में कितनी जातियां होती हैं। मुस्लिम जातियों की बात आते ही कांग्रेस के नेता पर मुंह पर ताला लगाकर बैठ जाते हैं, लेकिन जब भी हिंदू समाज की बात आती है तो कांग्रेस उनकी चर्चा जाति से ही शुरू करती है। कांग्रेस की नीति है हिंदुओं की एक जाति को दूसरी जाति से लड़ाओ। कांग्रेस जानती है कि जितना हिंदू पटेगा उतना ही उसका फायदा होगा। कांग्रेस किसी भी तरीके से हिंदू समाज में आग लगाए रखना चाहती है ताकि वो उस पर राजनीतिक रोटियां सेकती रहे। भारत में जहां भी चुनाव होते हैं वहां कांग्रेस यही फॉर्मूला लागू करती है।